नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब? राहुल गांधी लगातार अडानी को टारगेट करते रहते हैं कि अडानी चोर हैं, मोदी अडानी भाई भाई हैं, मोदी और अडानी मिलकर देश की जनता को लूट रहे हैं। और राहुल गांधी केवल अडानी को ही टारगेट नहीं करते हैं, वो अंबानी को भी टारगेट कर रहे हैं कि अडानी अंबानी देश की जनता को मिलकर लूट रहे हैं। और मोदी जी इन सभी का सहयोग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इनमें जो फायदा है मोदी को भी ये लोग पहुंचा रहे हैं और मोदी इनको फायदा पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार का आरोप राहुल गांधी लगाते रहते हैं। लेकिन जो सबसे अधिक व्यथित करने और परेशान करने वाली बात है कि राहुल गांधी जो हैं देश की उस पार्टी के नेता हैं जिसने भारत में 70 वर्षों तक राज किया, जिसने भारत की स्वतंत्रता में विशेष योगदान दिया। उस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी देश के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों को टारगेट कर रहे हैं। और उद्योगपति जो होते हैं वो देश के विकास में कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनको टारगेट करना कहीं ना कहीं देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलने जैसा है। अब अडानी अंबानी से समस्या किसे होनी चाहिए? अडानी अंबानी से समस्या उनको होनी चाहिए जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं, या विदेश की कंपनियों को होना चाहिए जिसको अडानी और अंबानी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जैसे चाइना की कंपनी हुआई है, ZTE है। इन कंपनियों का सीधा सीधा जो टक्कर होता है वो अडानी अंबानी से होता है। और अडानी कहीं बिजनेस पाएंगे, कहीं को बिजनेस वो किसी चीज़ का लेंगे, तो सीधा सीधा नुकसान जो है इन कंपनियों को होगा जो इनसे कंपटीशन में है। तो इनसे समस्या चाइना को होनी चाहिए, इनसे समस्या देश विरोधी शक्तियों को होनी चाहिए। लेकिन समस्या जो है सबसे अधिक राहुल गांधी को लगती है। लेकिन राहुल गांधी को समस्या क्यों हो सकती है? एक कारण यह भी हो सकता है कि 2014 से पहले ये जो कंपनियां हैं कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय फंडिंग करती रही हों, लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी है तो बीजेपी को फंडिंग करती है। तो भारत में तो ऐसा हमेशा होता रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सत्ताधारी पार्टी को अधिक पैसे देती हैं, अधिक फंडिंग करती हैं। तो क्या आपकी फंडिंग रुक गई है तो आप देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिला लेंगे, देश का विरोध करने लेंगे? तो मुझे जो लगता है राहुल गांधी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को किसी भी प्रकार से सत्ता से आया जाए, और उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को हटा सके। तो उन्होंने हाथ मिला लिया देश विरोधी शक्तियों से, और देश विरोधी शक्तियां भी चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में ना रहे क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए चाइना का समर्थन से या फिर जॉर्ज सोरोस जैसे जो लेफ्ट लीनिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि एक दक्षिणपंथी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति भारत की सत्ता पर बैठा हो। तो उनके साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया है और उनके सहयोग से वो अडानी को इसीलिए टारगेट करें क्योंकि अडानी का जो रोल है भारत के विकास में वो बहुत अधिक है, वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी बात कि राहुल गांधी का जो कांग्रेस पार्टी है उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, कांग्रेस पार्टी का और CCP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन दोनों का MOU भी साइन हुआ था। तो कहीं ना कहीं इनके बीच कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। चूंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार है और चाइना जो अपने कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, काम कर रहा है, तो मोदी जी उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए। इसीलिए आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब देश में डोकलाम की स्थिति बनी हुई थी, भारत और चीन की जो सेनाएँ हैं आपस में लड़ रही थी, एक स्थिति इस प्रकार की थी, तो राहुल गांधी चोरी छिपे चीन के राजदूत से मिलते हैं। राहुल गांधी मीडिया में इस बात को डिनाई भी करते हैं कि मैं नहीं मिला, लेकिन चाइना के ओर से जब कंफर्मेशन आ जाती है कि मिले थे तो राहुल गांधी इस बात को स्वीकार भी कर लेते कि मैं मिला था। तो राहुल गांधी इस बात को छिपा क्यों रहे थे कि मैं मिला नहीं? चूंकि चाइना के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, चाइना का तो इनका पार्टी से कुछ ना कुछ एक मतलब एक पैक्ट है, कुछ डील हुई है। तो चाइना भाई कह देगा कि यदि आप हमारे बात नहीं मानेंगे, जो हम आपसे चाहते हैं कि आप सरकार को घेरिए और सरकार को बैकफुट पे लाइए, यदि आप वो नहीं करेंगे तो हमारी जो डील है हम उसे सार्वजनिक कर देंगे, तो उसका आपका नुकसान होगा। तो इसलिए राहुल गांधी बचना चाहते थे, लेकिन चाइना तो कुछ इस तरह से बैकफुट नहीं ले सकता है। इसने उसने खुल के कन्फर्म किया कि हाँ राहुल गांधी मिले थे। और आप सभी को पता होगा अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि किस प्रकार से देश में कई सारे पत्रकार जो हैं और कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं चाइना के लिए काम करें, जिसमें न्यूज़ क्लिक के अभिसार शर्मा का भी नाम आया था। तो आज वीडियो समाप्त होने से पहले मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि राहुल गांधी देश विरोधी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं। वो राहुल गांधी से जैसा करवाना चाह रही है वैसा करवा रही है, और वही राहुल गांधी कर रहे हैं जो वो
चाहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि सुपर पावर कैसे बनती है, क्योंकि आज जो चाइना जो है विश्व में सुपर पावर ही बनना चाहता है। उसकी जो पूरी महत्वाकांक्षा है कि वो अमेरिका को पीछा छोड़ते हुए विश्व में सुपर पावर बन जाए। तो सुपर पावर बनने का जो फॉर्मूला है वो समझेंगे पीछे चल के। तो आप याद, आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि 2000 साल पहले पूरे विश्व में एक रोड होती थी, सिल्क रोड करके होती थी, जो चाइना के आसपास से गुजरती थी। मतलब उस पूरे रोड पे चाइना का ही दबदबा होता था और वो रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड होती थी व्यापार के लिए और सभी कामों के लिए। तो चूंकि उस रोड पे चाइना का दबदबा था और कुषाण वंश का जब शासन आया तो राजा कनिष्क के समय में भारत का भी दबदबा रहा। तो पुराने समय में चाहे चाइना हो चाहे भारत हो, ये दोनों देश जो हैं वो काफ़ी धनाढ्य देश माने जाते थे, काफ़ी जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान होता था और काफ़ी समृद्धशाली देश ये दोनों थे। क्योंकि ये जो रोड जाती थी सिल्क रोड, इस पे इन दोनों देशों की समीपता थी और इनका दबदबा काफ़ी रहता था। लेकिन धीरे धीरे जो सिल्क रोड है वो धीरे धीरे उसका जो महत्व है कम होने लगा, कई सारे जो साम्राज्य हैं वो समाप्त होने लगे। तो सिल्क रोड का जो एक सुरक्षा होती थी कि सिक्योरिटी से लोग आ जा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, वो रहने गया, तो उसका जो महत्व है धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद लगभग 500 वर्ष पूर्व, मतलब लगभग 1500 ईसा पूर्व में समुद्री मार्गों का महत्व बढ़ने लगा। फिर ये हुआ कि जो समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लेगा वही सुपर पावर होगा। और उस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में युद्ध चला, काफ़ी टकराव चला इन लोगों के बीच, जिसमें ब्रिटेन विजय हुआ। और यही कारण है कि ब्रिटेन जो है पूरे विश्व पे लगभग 400 वर्षों तक राज करने में सफल हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटेन का भी पतन होता है। उसके बाद अमेरिका जब सुपर पावर बनता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो अमेरिका भी जो है इन समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए इसी प्रकार की पॉलिसी अपनाता है, जिसको उसने एक पॉलिसी निकाली थी मार्शल पॉलिसी, जिसके तहत ये किया गया था कि विश्व युद्ध में कई देशों को नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा होने में हम सहयोग करेंगे। तो अमेरिका ने जो है मार्शल पॉलिसी निकाली, उसके तहत ये था कि हम इस तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, सहयोग कुछ करता है, कोई भी देश किसी को भी कुछ देता है तो रिटर्न में कुछ लेता भी है। तो जैसे अमेरिका ने सीरिया का भी सहयोग अमेरिका कर रहा था, अभी आप सभी जानते होंगे कि सीरिया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सीरिया में बमबारी की, वहाँ पर जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ के जो राजा थे उनको हटा दिया। उसके बाद बमबारी करने के बाद क्या होता है कि अमेरिका जो है वहां पे अपनी सेनाएं भेज देता है और वहां पे जो महत्वपूर्ण तेल के प्रतिष्ठान है, जहां से भी ऑयल निकल रहा है या जो भी व्यापार वहां के देश करते हैं, उस पे पूरी तरह से अमेरिका नियंत्रण कर लेता है। वहां अमेरिका की जो सेनाएं वहां पे रहती हैं उनका पूरा खर्चा जो है अमेरिका अपने घर से नहीं देता है, वहीं से निकालते हैं। इसी तरह का काम जो है अमेरिका ने इराक में किया, ईरान में किया। तो वहाँ के संसाधनों पे पूरी तरह से कब्जा कर लेना, वहाँ पे अपनी सेनाएं बैठा देना, वहाँ के जो समुद्री मार्ग हैं या स्थलीय मार्ग हैं वो पूरा अपने नियंत्रण में ले लेना। जब वो समुद्री मार्ग नियंत्रण में आ जाएगा तो वहाँ से जो भी व्यापार होगा वो अमेरिका के नियंत्रण में होगा और अमेरिका ही उसको पूरा गवर्न करेगा, जो भी टैक्स लाभ या नुकसान होगा अमेरिका को ही। तो इस तरह से अमेरिका ने मार्शल प्लान बना के फिर वो पूरा सुपर पावर बना। फिर बाद में अमेरिका और रूस की जो है प्रतिद्वंदिता भी चली और धीरे 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 अमेरिका की पावर भी कुछ कम होने लगी। तो उसके बाद 2013 में आता है चाइना। चाइना जो है अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है कि वो जो है विश्व पे राज करेगा, सुपर पावर बनेगा। तो वो कहता है कि हम सिल्क रोड जो समाप्त हो गया था, जो लगभग समाप्त हो गया, हम उसको पुनर्जीवित करेंगे, फिर से हम जो है सिल्क रोड पे काम करेंगे। तो जो चाइना जो है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट पे काम करना शुरू करता है 2013 में। बाद में उसका नाम बदल के रख दिया जाता है वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम। इसके तहत ये था कि चाइना जो है 155 देशों में निवेश करेगा, जहाँ पे सड़कें बनाएगा, रेलवे लाइंस बनाएगा, पाइपलाइन बनाएगा, पोर्ट्स बनाएगा, पावर प्लांट्स का निर्माण करेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा। ये सब काम जो है चाइना कई देशों में करना शुरू भी कर देता है और इसमें जो है चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब ये चाइना ये सब जो करेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसमें चाइना का बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण आप देखिए पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में चाइना भी वो वन रोड वन बेल्ट के तहत काम कर रहा है, जिसमें वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है। तो उस कॉरिडोर के
पूरे काम में चाइना जो है पाकिस्तान में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है, मतलब एक शहर बना रहा है, जो जैसा कि भारत में भी कई जगह बने हुए हैं, जैसे गुड़गांव जैसा शहर बना देना या नोएडा जैसा शहर बना देना, तो वो कर रहा है। उसके एवज में जैसे चाइना ये काम कर रहा है, तो उसके एवज में वो पाकिस्तान से क्या ले रहा है, तो वो जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट को चाइना ने जो है, चाइना को पाकिस्तान ने 43 वर्षों के लिए ग्वादर पोर्ट पे ज़मीन दे रखी है, ये लगभग निशुल्क होगा क्योंकि वो चाइना उसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है। उसी तरह ग्वादर पोर्ट पे पूरा मतलब ग्वादर पोर्ट पे उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो चाइना है इसके तहत ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप करा है, जिसमें वो 40 साल के लीज पे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। वहाँ से जो 91% जितना भी रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो चाइना को ही मिलेगा और 40 वर्षों तक वो चाइना के कब्जे में रहेगा। और ग्वादर पोर्ट का इम्पोर्टेंस बताऊँ कि 14 मीटर वो गहरा भी है, तो चाइना वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपने खड़ा कर सकता है। उसी प्रकार से चाइना ने श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट को निर्माण करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए लोन दिया। अब श्रीलंका उस लोन को चुका नहीं पाया, तो श्रीलंका ने उस हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को 99 वर्षों के लिए लीज पे दे दिया। मतलब अब वहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हो गए चाइना के कंट्रोल में होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी मतलब वहाँ पे कुछ भी होगा, टैक्स लगाना, सब चाइना उसका प्रॉफिट लेगा। और वहाँ पे वो पोर्ट है, तो चाइना वहाँ भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो भी मिलिट्री का वहाँ पे खड़ा कर सकता है। तो इससे चाइना को दो लाभ हैं कि भाई उसने कर्जा दिया, उसके कर्जा के बदले में वो नहीं चुका पा रही कंपनियाँ, तो वो पूरा उसका पोर्ट हो गया। ऐसे खरीदने जाता तो कोई भी देश उसको बेचता नहीं, पहला तो इकोनॉमिक लाभ होता है, दूसरा स्ट्रेटेजिक लाभ होता है कि वहाँ पे श्रीलंका में चाइना जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर मिलिट्री बेस बन जा रहा है उसका फ्री में। कहीं भी आप मिलिट्री बेस बनाएंगे तो उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चाइना ये लगभग इस तरह से कर्ज के जाल में फंसा के करता है। तो इसने श्रीलंका में ये चीज़ को किया, पाकिस्तान में ये चीज़ को किया, तो इस तरह से चाइना वन रोड वन बेल्ट के तहत करने लगा। और मैंने केवल आपको पाकिस्तान और श्रीलंका का उदाहरण दिया, ऐसे ये 155 देशों में करा, जिसमें यूरोप के कई सारे देश हैं, मध्य एशिया के कई सारे देश हैं, अफ्रीका के कई देश हैं, उधर चले जाइए दक्षिण एशिया में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ये सब इस तरह के देश हैं। तो चाइना इस प्लान पे काफ़ी तेजी से काम करने लगा और 2019 तक उसको कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं मिला, कोई भी कंपटीशन देने वाले रोकने वाला नहीं मिला। 2013 में जब चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की घोषणा की, तो अधिकतर देशों ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि चाइना एक तरह से काफ़ी फंडिंग कर रहा था, काफ़ी कर्ज दे रहा था, और सभी देशों को, जो गरीब देश हैं जिनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा उनको इसकी आवश्यकता थी। जैसे पाकिस्तान को अमेरिका ने फंडिंग देना बंद कर दिया, तो पाकिस्तान को पैसे कमी है, तो चाइना कह रहा है कि हम कर देंगे, हम आपको दे देंगे, तो उसके बदले जो है चाइना जो है वहाँ पे कब्जा कर ले रहा। तो चाइना जो है इस तरह से, आप देखिए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन बना रहा था पूरे पाकिस्तान में, तो उसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन में चाइना ने पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया। मतलब अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, उसमें पाकिस्तान कोई टेंडर डालना चाहे, कोई पुल बनाना चाहे, कुछ भी सड़क बनाना चाहे, तो नॉट अलाउड है। मतलब वो सारा जो है चीन के अंडर में आ गया, चीन की फौजें वहाँ पे पहुँच गई, पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं, पूरा ऑटोनॉमी, पूरा टैक्स वगैरह सब वहाँ पे चाइना लेगा। और इसीलिए चूँकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी ये काम इसका चल रहा था, तो भारत ने इसका विरोध किया था, लेकिन उतना विरोध भारत अच्छे से कर नहीं पाया। और 2019 तक चाइना अच्छे से चलता रहा, उसको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई थी और जो पहला इनका टर्म था वो बैंक खाते खोलने में, बिजली, सड़क, इसी सब में लग गया और वो ज़्यादा इस पर काम नहीं कर पाए, काम धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन 2019 के बाद जो है चाइना को कॉम्पिटिशन फील होने लगा और मोदी जी ने इस पर काम तेज़ी से शुरू किया और मोदी जी ने अपना जो विज़न है उसको क्लियर किया कि हम भारत को सुपर पावर बनाने पे काम कर रहे हैं, भारत को वैश्विक व्यापार में हम एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जो कोई भी देश सुपर पावर बनता है या इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता है, तो उसके लिए उस देश की जो कंपनियां हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। अब कोई राजा है, कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसको कोई विज़न को इम्प्लीमेंट करना है तो वो कंपनियों के माध्यम से करेगा। जैसे चाइना जो वन रोड वन बेल्ट के लिए कर रहा है, तो चाइना की जो सरकारी कंपनियां हैं, कॉस्को है, हवाई है, CMPH है, उसके माध्यम से कर रहा है। और भारत की तरफ से इस काम को जो करने वाले जो कंपनियां हैं, ONGC है, गेल है, रिलायंस है, लार्सन एंड टार्बो है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अडानी है।
तो जो लोग कुछ ये कह रहे हैं कि अडानी को क्यों कर रहे हैं या फिर रिलायंस के, ये तो सब प्राइवेट कंपनियां हैं, तो भारत में जो सिस्टम है ना सरकारी कंपनियों का, कि अधिकतर सरकारी कंपनियां काफ़ी धीरे काम करती हैं, उसमें तो आरक्षण की भी व्यवस्था होती है, तो उसमें जो मेरिटोक्रेसी है, जो काम करने को ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता है, वो आरक्षण पे उस मतलब कॉम्पिटिट नहीं कर पाती हैं। और जब आपका प्रतिद्वंदी चाइना जैसा देश है और कई सारे देश हैं, उनसे आपको कंपटीशन करना है, युद्ध होना है, तो युद्ध में आप आरक्षण लेके नहीं चल सकते हैं। और जब आपको यदि कंपटीशन करना है तो आपको जो है सब कुछ उसमें जायज है। तो इसलिए जो है ये कंपनियां को मोदी जी ने आगे करना शुरू किया और इनके माध्यम से चाइना को घेरना शुरू किया। क्योंकि अभी तक मैं आपको बताता हूँ कैसे शुरू किया, आप बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें अडानी है, अडानी को हम लोग इस पूरे मामले में डिस्कस करेंगे। तो अडानी जो है, अडानी की स्थापना 1990 अडानी पोर्ट्स और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो महत्वपूर्ण है, मेन इसमें जो हम बात कर रहे हैं समुद्री मार्गों की बात कर रहे हैं, कि किस प्रकार से समुद्री मार्गों को जो बंदरगाह वगैरह है, पोर्ट वगैरह है, उस पर जो नियंत्रण की बात है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें जो अडानी पोर्ट एंड SEZ है 1998 में बनता है, और भारत में अधिकतर जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो अडानी के नियंत्रण में है, जिसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, वो भी अडानी के नियंत्रण में आता है। तो यही अडानी पोर्ट वाली जो कंपनी है, जैसे अडानी की कई कंपनियां हैं, अडानी विलमार भी है जो तेल बनाती है, अडानी की जो ट्रांसपोर्टेशन एक अलग कंपनी है, और अडानी पावर है जो भारत में उनके कई सारे पावर प्लांट है, लेकिन हम अडानी पोर्ट्स की आज बात करेंगे। तो ये अडानी पोर्ट ने एक सिंगापुर में 2020 में एक होल्डिंग फर्म खोला जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि एशिया के बाहर जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ अडानी पोर्ट्स निवेश करेगा, बंदरगाह बनाएगा, ऑलरेडी बंदरगाह है तो उसको मॉडर्नाइज करेगा, इस तरह के काम या वहाँ पे ऑपरेट करेगा। इस तरह के काम करने के लिए 2020 में सिंगापुर में एक कंपनी बनाती है अडानी पोर्ट्स, और ये डिक्लेयर करते हैं कि 2030 तक हम विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी होंगे। और इस बात से जो है जो भी चाइना का वो सब था, थोड़ी थोड़ी चाइना को इस बात से झटका लगता है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और फिर इस तरह से काम होना शुरू करता है जिसको चाइना ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा भी होगा और इस तरह से कुछ होगा। फिर अडानी को म्यांमार में एक पोर्ट मिल जाता है काम करने के, बांग्लादेश में कुछ बिजनेस मिलता है, 2022 में अडानी पोर्ट जो है श्रीलंका में इंटर करता है, और ऐसी पहली कंपनी भारत की तरफ से होती है पोर्ट इंडस्ट्री में जो इसमें इंटर करती है। अब यहाँ पे चाइना को झटका इसलिए लगता है श्रीलंका में, जैसा कि मैंने बताया चाइना जो है श्रीलंका में अपने पैर जमा चुका था, हम्बनटोटा पोर्ट है और भी कई सारे पोर्टों में जो चाइना है पूरी तरह से पैर जमा चुका था, श्रीलंका चाइना के कर्ज तले दब चुका था, लेकिन वहीं पे फिर अडानी आते हैं और चाइना को झटका लगता है कि भारतीय कंपनी भी आ गई है, भारत की कंपनी वहाँ के पोर्ट के बिजनेस में गई, तो भारत भी अपने वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर सकता है और मिलिट्री बेस वहाँ पे एक तरह से अनऑफिशियली बना सकता है जिस प्रकार से चाइना कर रहा था। तो वहाँ पहला चाइना को झटका लगता है। दूसरा उसके बाद जो है उसके बाद अडानी जो है यहीं नहीं रुकते हैं, उसके बाद अडानी जो है तंजानिया में इंटर करते हैं। तंजानिया अफ्रीका में एक देश है और एक बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक देश है। तो वहाँ पे अडानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करते हुए तंजानिया में इंटर करते हैं, और वहाँ भी चाइना को झटका इसलिए लगता है क्योंकि चाइना तंजानिया में पहले से काम कर रहा था, एक पोर्ट है बोगा मोयो पोर्ट, वहाँ पे जो है चाइना ऑलरेडी था, लेकिन तंजानिया का जो सबसे बड़ा पोर्ट था दार एस सलाम पोर्ट, वो अडानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलके उसको अपने एक्वायर कर लेते हैं, और इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट वो दार एस सलाम था। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो चाइना है वो लगातार इस मिशन पे, इस विज़न पे काम कर रहा था कि हम जो है पूरे विश्व को घेर लेंगे। हम लोग सुनते भी आते थे मनमोहन सिंह जी के समय कि कैसे चाइना जो है हिंद महासागर पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, श्रीलंका में घेर रहा है, मालदीव्स में घेर रहा है, उसके बाद थाईलैंड में घेर रहा है, इंडोनेशिया में कुछ बना रहा है, लेकिन उस पर कुछ होता हुआ भारत सरकार की तरफ से कुछ दिखता नहीं था। लेकिन जब फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो मोदी जी भी इस पर काम करते हैं, काउंटर अटैक करते हुए दिजिबाउती में वो एक मिलिट्री बेस बनाते हैं, मालदीव्स में बेस बनाने की बात चलती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब मालदीव में पानी का संकट आया तो भारत ने सबसे क्विक रिस्पांस दिया और पहुंचा पानी पहुंचाने में। तो इस तरह से मोदी जी काम करना शुरू करते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूं वो भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस पर काम होना शुरू होता है।
तो तंजानिया भी जो है अडानी पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है चाइना को जब लगता है जब अडानी पोर्ट जो है इसराइल पहुंचता है। इसराइल का एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड पोर्ट है हाइफा पोर्ट, उस पर जो है उसको अडानी एक्वायर कर लेता है। अब जो चाइना है वो इसराइल में था पहले से, वो भी वहाँ पे काम कर रहा था, वो चाहता था कि हाइफा पोर्ट उनको मिले, लेकिन अडानी पोर्ट ने इनको पीछे छोड़ दिया और हाइफा पोर्ट को एक्वायर कर लिया। अब इसराइल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसराइल का हाइफा पोर्ट यदि आपको मिलता है तो यूरोप का जो पूरा मार्केट है वहाँ तक आपकी पहुँच हो जाती है, और इसराइल जहाँ पे बेस्ड है तो लगभग यूरोप में आप घुस पा रहे हैं, यूरोप का मार्केट आपको मिल रहा है, जो मध्य एशिया है उसका मार्केट आपको मिल रहा है, तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है इसराइल की। और अडानी पोर्ट ने यहाँ पे चाइना को मात दे दी क्योंकि चाइना भी प्रयास कर रहा था कि वो हाइफा पोर्ट को पाए। यदि यहाँ पे मोदी जी नहीं आते, मोदी जी कुछ यदि अपने पावर का यूज़ नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि अडानी का वो जो हाइफा का पोर्ट है अडानी को मिलता, क्योंकि सभी देशों को लोग लगे हैं, सभी देशों के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों अपनी कंपनियों को प्रमोट करते ही हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वो भी कहीं अन्य देशों में जाते हैं तो अपने साथ कई देशों को कई कंपनियों के हेड्स को लेके जाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं। तो मोदी जी यदि अडानी पोर्ट को आगे कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा गलत है? और अडानी पोर्ट आज का तो कोई है नहीं, वो तो 1998 में बना था और कांग्रेस के समय से भारत के कई पोर्ट्स को वो ऑपरेट कर रहा है, और उनका जो काम करने का तरीका है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, गजब का है, और इसीलिए मोदी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी का कोई निजी मामला तो इसमें है नहीं, जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनकी कंपनी प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो यदि मान लीजिए मोदी यहाँ पे कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता कि मोदी जी का रोल है, लेकिन होता भी तो अच्छी बात है ना भाई, कि कोई भारत की एक बड़ी कंपनी है तो देश का प्रधानमंत्री उसके लिए कह रहा है कि हाँ भाई इनको दे दो, अब तो वो दे रहे हैं, तो अडानी को मिल गया पोर्ट। अब ये कितना भारत केवल अडानी के लिए लाभदायक थोड़ी ना होगा, अडानी पोर्ट जो है क्या देश विरोधी काम करेगा? भारत के लिए काम नहीं करेगा, भारत के लिए काम करेगा। मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति होती है, कुछ भी होता है, तो यदि वो भारत के नियंत्रण में है, भारत की कंपनी के नियंत्रण में है, तो भारत वहाँ पे जो चीज़ चाहेगा भेजना, जो चीज़ चाहेगा मंगाना, वहाँ से ऑपरेट कर सकता है। इसी प्रकार तो अमेरिका वगैरह या करते रहे हैं, चाइना करते रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वो मोदी जी नहीं लगते या भारत के लोग नहीं लगते, तो वो चाइना के हाथ में चला जाता या अन्य कोई देश के हाथ में चला जाता, तो क्या वो अच्छी बात होती? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो इसराइल का पोर्ट है वो मोदी को मिला, फिर उसके बाद इसराइल नहीं अडानी पोर्ट फिर इजिप्ट में भी इंटर करता है, और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं सीसी, वो कहते हैं कि हम अडानी को जो है अडानी ग्रुप को जो भी इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं इजिप्ट में, हम हर प्रकार का समर्थन सहयोग करेंगे, क्योंकि अडानी ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हम वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो चाइना है वो इजिप्ट में भी प्रेजेंट था। अब इजिप्ट इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूमध्य सागर से उसकी सीमा लगती है, भूमध्य सागर पे आपकी पहुंच हो जाती है यदि आप इजिप्ट में पहुंच गए तो। जो लाल सागर है वो भी इजिप्ट से लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है स्वेज कैनाल जो है वो भी इजिप्ट में ही है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे यदि आपका कुछ नियंत्रण होता है, एक दो पोर्ट आपको मिलते हैं, तो आपके देश के लिए एक लाभदायक स्थिति में आप होंगे। अब कोई देश जो है भारत तो वहाँ पे नहीं कर लेगा, उसकी कंपनीज ही तो होंगी। अब जैसे ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे कब्जा किया, पूरे विश्व पे राज किया, तो ब्रिटेन ने तो वैसे नहीं कि अपनी कंपनियों के माध्यम से ही तो किया, तो भारत भी अपनी कंपनियों को आगे करके इस गेम को खेल रहा है, जिस प्रकार से चाइना अपनी कंपनियों को आगे करके जो है गेम खेल रहा है पूरे विश्व को घेरने का, भारत को इनसर्कल करने का। हम्बन टोटा पोर्ट में जो चाइना ने काम किया, जो कर्जा दिया वो चाइना ने डायरेक्टली थोड़ी नहीं दिया, अपनी कंपनियों के माध्यम से दिलाया, उसने बैंक की स्थापना की थी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके माध्यम से दिया। तो कंपनियां ही महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सरकारी कंपनियां, चाइना का सिस्टम अलग है, वहां पे कोई इस तरह की नीति नहीं है आरक्षण वगैरह, वहां देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, तो वहां एक अलग सिस्टम चलता है। वहां इस तरह का नहीं हो कि आप भाई सरकारी हैं और काम धीरे करेंगे, वहां काम की स्पीड बहुत तेज है, तो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। और केवल फिर इजिप्ट में नहीं, फिर आगे अडानी जो है और आगे बढ़ती है, और वो अभी इसी एक दो हफ्ते पहले मोदी जी जब गए थे वहाँ एक सम्मेलन में गए थे, तो उसके बाद सीधा वहाँ चले गए, ग्रीस में चले गए, और ग्रीस में जो बातचीत चल रही थी, जो तीन पोर्ट अडानी को वहाँ पे लेने थे, कावाला, वोलोस और एलेक्जेंड्रोपोली, तो कांग्रेस के पार्टी ने ये बोला कि वहाँ पे अडानी के लिए बातचीत करने के लिए मोदी जी गए हैं, अडानी को वो पोर्ट चाहिए, हाँ अडानी का उसमें इंटरेस्ट था। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ
और मोदी जी ग्रीस में केवल अडानी की बात करने नहीं गए, वहाँ पे उनके साथ ITC कंपनी के भी चेयरमैन थे और कई सारे कंपनी के चेयरमैन मोदी जी के साथ गए थे। तो ये कंपनी को लेकर जाना जो है सभी देश ऐसा करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो इसकी बात चलती है और चाइना को इसमें बहुत झटका लगता है क्योंकि 3 पोर्ट पे जो है अडानी बातचीत कर रहे हैं, उनको चाहिए। और चाइना जो है ग्रीस में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ग्रीस में ऑलरेडी चाइना का काम है और चाइना के कब्जे में वहाँ पे एक वहाँ का पोर्ट है, पायरियस पोर्ट है, जिसमें 67% जो मतलब कि शेयर होल्डिंग है वो चाइना के पास है, चाइना की कंपनी है कॉस्को उसके पास है। तो उसको भी अडानी एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि 67% शेयर होल्डिंग चाइना की एक बड़ी कंपनी के पास है, कॉस्को के पास है, उसको भी अडानी बातचीत कर रहे हैं कि वो हम एक्वायर करेंगे। तो चाइना की जो कंपनियाँ हैं कॉस्को या जो भी कंपनियाँ, उसको तो वहाँ की सरकार का समर्थन है, तो क्या अडानी को भारत की सरकार का समर्थन नहीं होना चाहिए? यदि मोदी जी का समर्थन रहता है, भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन रहता है, तो ग्रीस वाले भी सोचेंगे ना कि हाँ भाई इनको इनके देश का समर्थन है, प्रधानमंत्री का समर्थन है, तो वो फिर उसको जो चाइना के कब्जे में जो कंपनी है वो भारत को दे सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो रेपुटेशन है, जिस प्रकार से कर्जा देता है और फिर वो एक तरह से देशों को अपने कब्जे में कर लेता है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो छीन लेता है, जैसा उसने पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान में ही कॉरिडोर बना रहा है और पाकिस्तान ही उसमें कुछ रोल अदा नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, चाइना की सेनाएं लगे, चाइना ही वहाँ पे सब कुछ काम कर रहा, टैक्स भी वसूलता है। तो चाइना का जो रेपुटेशन थोड़ा खराब है, भारत का रेपुटेशन अच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री यदि अडानी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करेंगे, और मैं कुल अडानी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अडानी को सपोर्ट नहीं करे, अडानी को सपोर्ट करे, ITC को सपोर्ट करे, रिलायंस को सपोर्ट करे, ONGC को सपोर्ट करे, तो ये तो सभी राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। तो ये जो है ये चाइना के लिए फिर वहाँ पे झटका लगता है। और उसके बाद जो है राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार अटैक करना शुरू करती है अडानी पे। पहले भी अटैक कर रहे थे जब हाइफा पोर्ट जब अडानी ने एक्वायर किया था, उस समय अटैक कर चुके थे, जनवरी 2023 में एक अटैक हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल ने चाइना अडानी जी को हाइफा पोर्ट जो है अपना दिया। तो उसके बाद अटैक होना शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो था किसी को नहीं लगता था कि चाइना को कोई कॉम्पिटिट कर सकता है, इस पूरे खेल में चाइना को कोई मात दे सकता है, लेकिन जब से इसराइल का हाइफा पोर्ट अडानी ने एक्वायर किया तो पूरे विश्व की जो मीडिया है छापने लगी कि अडानी ने या भारत ने जो है चाइना को मात दी। इसमें अडानी का नाम नहीं लिखा गया, ये हुआ कि इंडिया हैज़ नाउ ओवरटेकन चाइना इन दिस स्ट्रेटेजिक टग ऑफ वार फॉर इसराइल्स लार्जेस्ट पोर्ट, मतलब भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा, तो कंपनियों के माध्यम से पीछे छोड़ा। तो जब इस तरह की चीज़ें होने लगी तो जो कांग्रेस के अखबार है, एक नेशनल हेराल्ड करके, वो लिखने लगा कि मोदी जी जो है अडानी की लॉबिंग करने गए थे क्या वहाँ पे, और उन्होंने एक बात यह भी चलाई कि मोदी जी ग्रीस चले गए और उसके लिए उनको देर भी हो गया, इसरो ने उसी समय चंद्रयान 3 छोड़ा था, तो ये कहा कि मोदी जी को जो कॉन्ग्रेचुलेटरी विजिट इसरो पे करना था उसमें भी देर हुआ, लेकिन उनको अडानी के लिए लॉबिंग करना ज़्यादा आवश्यक था इसलिए वो ग्रीस चले गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आप समझ गए होंगे कि क्या मोदी जी अडानी के लिए जा रहे हैं या ONGC या रिलायंस के लिए जा रहे हैं। केवल अडानी के लिए नहीं, सबके लिए कर रहे हैं, रिलायंस के लिए भी कर रहे हैं, मतलब जितनी भी भारतीय कंपनियाँ हैं सभी के लिए इस तरह के काम मोदी जी कर रहे हैं। और यदि अडानी आगे बढ़ता है तो भारत आगे बढ़ता है, रिलायंस आगे बढ़ता है तो भारत आगे बढ़ता है, इस तरह की चीज़ें। और अडानी जो है इसराइल की, मैं एक बात मुझसे मिस हो गई है कि इसराइल में ही इजिप्ट में ही एक वहाँ पे एक ऐसा वो एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाने की बात हो रही है, जो कि 10 GW का पूरा उसका वो रहेगा, कैपेसिटी रहेगी। और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत में जो पूरी पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 400 GW की है, और वहाँ पे केवल अडानी केवल एक पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे जो कि 10 GW का होगा, तो कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट होगा। तो अडानी का जो एक दिया हुआ मतलब वो है, विज़न है कि 2023 तक हमको विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी बननी है। उसके अलावा अडानी कहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी बननी है, जिसमें कि जो हवा से बिजली बनती है, जो सूर्य से बिजली बनती है, जो जल से बिजली बनती है, उसमें सबसे नंबर वन होने की बात, और सबसे बड़े बड़े पावर प्लांट जो है अडानी लगा भी रहा है। तो इससे जो है चाइना जैसा देश जो पूरे विश्व में सुपर पावर बनना चाहता था उसको ये खटकना आवश्यक था,
और जो देश जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं उनकी आंखों में खटकना आवश्यक था। लेकिन भारत की ऐसी पार्टी जो भारत में 70 वर्षों तक राज करती है उसकी आंखों में अडानी खटक रहे हैं, ये समझ से परे है। राहुल गांधी को भाई क्या समस्या है अडानी यदि आगे बढ़ रहे हैं तो समस्या एक वही है कि इनका जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है जिसके तहत जो है कुछ, और उसके बाद चाइना के कंपनी से, चाइना के पार्टी से राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई बार डोनेशन भी लिया है, वो भी समाचारों में रहा है। तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, डील हुई है, और राहुल गांधी को भी ये बात पता है कि मोदी जी को नहीं हरा सकते, तो वो देश विरोधी शक्तियों के गोद में बैठ गए हैं, वो इनको जैसा नचा रही है या वैसे नाच रहे हैं। और इनको राहुल गांधी को लाभ है, भले ही देश का भला हो चाहे बुरा हो, अडानी चाहे बर्बाद हो जाए, तो यही राहुल गांधी की सोच है। और इसीलिए जो है राहुल गांधी लगातार अडानी के पीछे पड़े हुए हैं। कभी हिडनबर्ग के माध्यम से उनके शेयर्स के दाम गिराए जाते हैं, अभी अडानी के बाद वेदांता पे टारगेट किया, वेदांता भी एक बड़ी कंपनी है जो भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब जो भी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाने का काम करेगा उसको ये कांग्रेस पार्टी के लोग टारगेट करेंगे। इनका लक्ष्य ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ो, क्योंकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो मोदी जी की जय जयकार होगी कि मोदी जी के रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था गिरेगी, देश में गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, लाचारी आएगी, तो मोदी जी की होगी कि मोदी जी के राज में गरीबी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, लाचारी बढ़ गई। तो एक टारगेट ये है, तो आर्थिक रूप से तोड़ दो, आध्यात्मिक धार्मिक रूप से तोड़ दो, हिंदुओं को जातियों में तोड़ दो। तभी इनके लगातार स्टेटमेंट आते रहते हैं कि हिंदू धर्म को समाप्त करो, सनातन को समाप्त करो, भारत को राज्यों में तोड़ दो, राज्यों की फैला दो, फिर बोलो कि अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, धर्म में तोड़ दो। तो ये पूरा प्रयास जो है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और ये जॉर्ज सोरोस और चाइना के गोद में बैठ के कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक रिपोर्ट भी आई थी, कई सारे पत्रकार भी चाइना के उस पे ही पेमेंट पे काम करें, तो इनका एक ही उद्देश्य है कि मोदी को हटाओ, और इनको ये लाभ हो रहा है कि इनको पैसा मिल जा रहा है, और मोदी हटेंगे तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा कि वो सत्ता में आज आने की उनकी संभावना हो जाएगी। तो इसलिए अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, देश के हित को ये लोग मतलब कि तुच्छ समझ रहे हैं। और ऐसा इतिहास में भी हुआ है कि अपने लड़ाई में अपने हित के लिए कई लोगों ने गद्दारी भी की है और भारत को नीचा भी दिखा, जिससे भारत को बहुत नुकसान भी हुआ है। तो वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे अन्य विपक्ष की पार्टियां जो कि सनातनियों को बदनाम कर रही हैं, अडानी अंबानी के विषय में, अर्थव्यवस्था के विषय में गलत टिप्पणियां कर रही हैं, वो सब जो है देशद्रोही हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या मन है इस पर, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।